ओ गाइस, वेलकम टू मिस्टिक इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे होंगे और पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर के डीपेस्ट, ट्रूएस्ट और रियलिस्ट फीलिंग्स और इमोशंस देखने वाले हैं। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है एज ऑलवेज, तो कोई भी देख सकता है, जनरल स्पेसिफिक नहीं है। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस और ट्रू रियलिस्ट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के डीपेस्ट, ट्रूएस्ट और रियलिस्ट फीलिंग्स और इमोशंस क्या है आपको लेकर। वो इन रियल आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में रेजिस्टेंस है। जो कार्ड्स निकल के आए हैं, पहला है लॉन्गिंग, पर्सपेक्टिव, टाइम, ब्रोकन, क्लाउडी जजमेंट, कर्मा और अपॉलोजी। तो ये कार्ड्स निकल के आए हैं यहाँ पे। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी। ओके, सो मुझे जो डेक चाहिए वो है ये टैरो डेक। वाई इज दिस लॉन्गिंग हियर डिवाइन? हमें प्लीज बताए कि लॉन्गिंग क्यों है। ओके, देखिए आप दोनों में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है या थर्ड पार्टी में है, चाहे जी कर लो, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अगर खुद ही वो आपसे दूर भी भाग रहे हैं ना, लेकिन उनके लिए आपसे दूर रहना, आपसे मूव ऑन करना, आपको भुला देना, आपको छोड़ देना टू मच है। वो बिल्कुल भी ये नहीं सह पा रहे हैं कि वो आपको भुला दे, आपसे दूर हो जाए, आपको रिप्लेस कर दे, आपसे मूव ऑन हो जाए। इट इज़ टू मच फॉर देम, वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं, इतनी क्रेविंग हो रही है, इतना ज़्यादा ये पर्सन को आपकी चाहत हो रही है कि ये किसी भी वक्त ये जो ज़बरदस्ती अपने मन के खिलाफ जाकर ये आपसे दूर भाग रहे ना, मुझे नहीं लगता ये पर्सन खुश है उसमें। और ये कभी भी किसी भी वक्त अपना माइंड चेंज करके, यू नो, दे आर गोइंग टू कम बैक टूवर्ड्स यू। चाहे कितना ही बड़ा डिसीजन क्यों ना इस पर्सन ने लिया हो और कितनी बुरी सिचुएशन ही क्यों ना हो ये हो आप दोनों के बीच में, मुझे ये पर्सन वापस आपके तरफ लौट कर आना चाहते हैं और किसी भी वक्त आ भी सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि द क्रेविंग, इस लेवल की क्रेविंग, इस लेवल का पैशन, इस लेवल का अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है कि इट इज़ जस्ट टू मच। ओके, व्हाट इज़ दिस पर्सपेक्टिव हियर फॉर? मुझे लगता है कि ये पर्सन ना, देखिए इस पर्सन को इस वक्त अगर हम माइंडसेट देखें तो ये पर्सन एक दोराहे पे खड़े हैं, जहाँ से एक तरफ उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आपके साथ वो एक फ्यूचर चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं, हमेशा एक प्यारे रिश्ते को बना के रखना चाहते हैं। बट साथ ही साथ अगर वो आपसे मूव ऑन कर ले इस वक्त, वो सोच रहे हैं, उनकी सोच बता रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि अगर मैं मूव ऑन कर लूँ तो तो भी कुछ बेटर है उनके लाइफ में टू लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल इनको जितना भी चाहे लग रहा हो कि वो आपके बिना खुश रह सकते हैं या अगर वो आपसे मूव ऑन कर ले तो भी वो जी सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वो अगर मूव ऑन कर लेंगे तो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी।
इट्स लाइक उनका दिल उनको बार बार आपके तरफ ही लाकर खींच रहा है और आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रहा है. सो आई सी देम ऑन दिस क्रॉस रोड जहाँ पे वो दिल और दिमाग के बीच फंसे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे. लेकिन आखिर में वो अगर किसी का सुनेंगे, किसी की मानेंगे, तो वो अपने दिल की ही है. टाइम क्यों है यहाँ पे? आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड डिवाइन, प्लीज़ एक ही कार्ड दीजिए और क्लैरिफाई करिए. ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपके पर्सन को भी पता है कि चाहे आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाने की कितनी ही कोशिशें करो या वो आपसे दूर आने की कितनी ही कोशिशें करे, लेकिन घूम फिर कर वो आपके पास ही आएंगे. ठीक है, सो ये पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है कि यार जल्दी आ जाओ मेरे पास, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना या मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, तो आपको लग रहा है कि चीज़ें फटाफट मेरे हक में क्यों नहीं हो रही है, मैं जैसे चाह रही हूँ वैसे क्यों नहीं हो रही है, कब चीज़ें हमारे हक में होंगी, कब वो मेरे पास वापस आएंगे, कब सब कुछ सही होगा. तो देखिए हर एक चीज़ का अपना एक टाइम होता है और किसी के लिए वो टाइम आ चुका है कि ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और किसी किसी के लिए नहीं आया है. सो यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि एक चीज़ तो है कि आप दोनों लड़ लो झगड़ लो लेकिन घूम फिर कर ये इंसान आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आपके मेमोरीज़ आपके लिए जो क्रेविंग है, आपके लिए जो प्यार है, इट्स जस्ट टू मच. ओके, ब्रोकन क्यों है? ब्रोकन क्यों है? थ्री ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है. डेफिनेटली मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा आपके साथ किया है जिसको हम कह सकते हैं कि चीटिंग करी है या आपका दिल तोड़ा है और आपकी लाइफ को लिटरली यू नो आपको लगने लगा कि ये पर्सन ने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी. ठीक है, सो इट्स लाइक इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ऐसा आपके साथ किया बहुत ही बुरा जो नहीं करना चाहिए था. एंड ऐसा करने के बाद ऐसा मत सोचिए कि वो बहुत खुश है, क्योंकि कर्मा नहीं छोड़ता है. अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, आपके साथ भी डेफिनेटली बुरा होना है. तो इस पर्सन को भी कर्मा मिल चुका है और जो इन्होंने आपके साथ बुरा किया है वो उनको भी फेस करना पड़ा है. ठीक है, सो डोंट एवर थिंक कि ये पर्सन खुश है मुझे चीट करके या मेरा दिल तोड़ के या मुझे रुला के मुझे बर्बाद करके. नो दे आर नॉट, क्योंकि कर्मा उन्होंने फेस कर लिया है. व्हाई इज दिस क्लाउडी जजमेंट हियर फॉर एम्परर है और बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ पेंटिकल्स है. देखिए इस इंसान का जो गुरूर है या कह लो जो ईगो है, जो आई मी माई सेल्फ जो एक इंसान के साथ होता है ना, अंदर होता है ना, वही एक है जो इनको डिसीजन लेने से थोड़ा सा रोक रहा है. ठीक है, आपके तरफ आने से रोक रहा है. या इनका दिमाग अगर बार बार आपको लेकर कन्फ्यूज़ हो जाता है, आपको अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है ना कि ये इंसान अगर इतना प्यार करता है तो ये बार बार मुझसे रूठ कर चला क्यों जाता है, या फिर ये मुझे इग्नोर क्यों करता है, या फिर ये किसी और को क्यों चूज़ कर लेता है, मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं देता, मुझे अटेंशन क्यों नहीं देता, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ईगो. उनका ईगो ही है जो उनको रोकता है सही डिसीजंस लेने से और फाइनल डिसीजन लेने से. इसीलिए कन्फ्यूजन आपको दिखता होगा, रियल आपको ये चीज़ नोटिस करते होंगे आपके, कभी ये बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बहुत अपनापन दिखा रहे हैं, और कभी कभी एकदम से आपको पराया कर दिया, यू नो आपको भला बुरा कह देना, आपके बारे में गलत मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर लेना. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस ईगो. बट है इनके अंदर वो पोटेंशियल है सही डिसीजन लेने का, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम. अभी ये पर्सन उस माइंडसेट में धीरे धीरे आ रहे हैं जहाँ पे वो सही डिसीजन लेंगे, क्योंकि अभी तक इस पर्सन को इस रिश्ते में सिर्फ बुराइयाँ दिख रही थी, सिर्फ गलत चीज़ें ही इनको रियलाइज़ हो रही थी. लेकिन अब आने वाले समय में इनको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, यू नो वॉट इज दिस कर्मा हियर फॉर. उनको रियलाइज़ होगा कि हो रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि नहीं मुझे डिसीजन लेना ही चाहिए, मुझे अपने मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा. वॉट इज दिस कर्मा हियर फॉर? येस, ओ माई गॉड, अगेन द सेम थिंग. अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ दगाबाजी की है, आपको हर्ट किया है या आपका दिल तोड़ा है, आपको निराश किया है, तो उस पर्सन को डेफिनेटली कर्मा फेस करना पड़ा है. और कर्मा
किसी से भी नहीं चुकता है, जो इंसान किसी को भी किसी भी तरह से गलत फील कराता है, बुरा फील कराता है, उसको वो कर्मा फील फेस करना ही पड़ता है। और आपके पर्सन ने अगर आपसे दूर जाकर, उनको लगा था कि वो आपका दिल तोड़कर आपसे दूर जाकर खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, उनको भी कुछ कर्मा फेस करना पड़ा है। फिर भी एकदम से इनका ईगो नहीं ख़त्म हुआ है, टूटा है, धीरे धीरे होगा, यू नो इट विल टेक टाइम। अपोलॉजी क्यों है यहाँ पे? द हैंग्ड मैन और मैजिशियन है यहाँ पे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर देर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ ईगो, जो अभी भी अपनी गलती, देखिए इनको गलती हुई है या क्या गलत कर रहे हैं वो समझ आ रहा है, लेकिन उनके अंदर का जो अहम है, जो ईगो है, जो प्राइड है, वो ही एक ऐसी चीज़ है ना, जो क्योंकि ये पर्सन हमेशा से ऐसे रहे हैं जो किसी के सामने झुके नहीं, प्यार को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, क्योंकि इनको आपके जैसा पर्सन पहले कभी मिला ही नहीं। एंड अभी जब आपके जैसा इंसान, प्यारा इंसान, केयर करने वाला, पैम्पर करने वाला इंसान इनको मिला है, तो इनको इनसे संभला नहीं जा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। सो देखिए, एकदम से ये ओपनली अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये पर्सन आपके पास वापस भी आएंगे, और जो स्टक रिश्ता है आपका वो आगे भी बढ़ेगा, वो ग्रो भी होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ एकदम सच सच, कि ये पर्सन से आप बहुत ही गिड़गिड़ाएंगे या पैरों में पड़ के आपके माफ़ी मांगेंगे, ये एक्सपेक्ट मत करिए, बिकॉज दिस इज नॉट समवन, जो ये इंसान ही वैसा नहीं है। सो जो जैसा वो इंसान है ही नहीं, वो कैसे बिहेव करेगा, राइट? व्हाट इज़ दिस रेजिस्टेंस ऑल अबाउट? क्यों है ये रेजिस्टेंस यहाँ पे? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ पेंटिकल्स। इनका करियर भी या इनके फैमिली इश्यूज भी कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ओपनली अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या कमिट नहीं कर रहे हैं। इनमें से एक कोई रीज़न है, या तो ये करियर के वजह से थोड़ा सा छुप छुप कर ही अपनी फीलिंग्स रख रहे हैं अपने पास आपको लेकर, या तो ये पर्सन अपने फैमिली या बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा सा चुप चुप रह रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ओके, इस पर्सन के डीपेस्ट फीलिंग्स और इमोशंस क्या है? डीपेस्ट रियलिस्ट क्या फीलिंग्स थी इस पर्सन की आपके लिए? थी नहीं है। डीपेस्ट और ट्रूएस्ट रियलिस्ट फीलिंग्स बताइए डिवाइन प्लीज, और बताइए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? मैं पहले कार्ड्स लगा देती हूँ और बाद में मैं क्लैरिफाई करके ही डायरेक्टली बताऊंगी आपको, क्योंकि एक एक मैसेज डबल डबल बार बताना मुझे नहीं लगता इट मेक्स अ सेंस। ओके, ओके, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओके, देखिए ये पर्सन के आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ये आपके बारे में बहुत आगे तक का सोचते हैं, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ये आपको अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। सो ये इंसान बहुत डीप फीलिंग्स रखता है आपके लिए, इट्स जस्ट के उनका ईगो, उनका अहम ही उन्हें थोड़ा बहुत जो रोकता है, वो उनका अहम है, उनका ईगो है, उनकी प्राइड है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन ये आपको जितना दिखा रहे हैं ना, सिर्फ उतनी फीलिंग्स नहीं है, बहुत डीप है। अगर ये पर्सन आपको ऐसा बोल रहे हैं कि, या अगर ऐसा बोलते हैं आने वाले समय में कि चलो यार भूल जाते हैं और फ्रेंड्स रहते हैं, यू नो लेट्स बी फ्रेंड्स, पास्ट को भूल जाओ, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं, बट इट इज़ बिकॉज
उनको बस आपसे कनेक्टेड रहना, उनको पता है कि कैसे आपका दिल जीतना है और बाद में चीज़ें आगे बढ़ानी कैसे है, क्योंकि उनका इंटेंशन तो आपसे शादी करना है और आपके साथ फैमिली बनाना है. वॉट इज़ दिस, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. देखिए, इस पर्सन को ऐसा लगता है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, अहम है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत रूड हो, आप बहुत सेल्फिश हो, या आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो और आप इनको दबाना चाहते हो, केज करना चाहते हो, या इनको कंट्रोल करना चाहते हो. तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम्हें अगर मैं चाहिए हूँ, तुम्हारे लिए अगर मैं ज़रूरी हूँ, तो तुम अपना जो अपनी जो ज़िद है मुझे कंट्रोल करने की, वो छोड़ दो ना, फिर हम खुशी खुशी रह पाएंगे साथ साथ, ठीक है. लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके पीछे आपका प्यार है. आप इनको कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हो, आप इनको आप डर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो, क्योंकि आप लव प्यार करते हो इस पर्सन से. वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं. वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप इनसिक्योर हो, आप इनको कंट्रोल करना चाह रहे हो, बट क्यों उसके पीछे क्या प्यार ना, उसके पीछे की इंटेंशन नहीं देख पा रहे हैं. विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम, ऐसा क्यों कह रहे हैं. येस, दे वॉन्ट टू गो बैक इन टाइम, क्योंकि वो खुश नहीं है आपके बिना. टू बी वेरी फ्रैंक, ये इंसान बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत रेस्टलेस है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है, बहुत एंग्शियस है. इनका अहम इनको बदलने से रोक रहा है, और यहाँ पे आपको लेकर ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं, बहुत डीपली प्यार करते हैं आपसे, और इनको लग रहा है कि काश वक्त में वापस पीछे जाकर चीज़ों को सही किया जा सकता. ओके, बट आई वॉन्ट टू टच यू, इसको क्लैरिफाई करिए डिवाइन. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये पर्सन इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, बहुत रोमांटिक भी फील करते हैं आपको लेकर, लेकिन इनको लगता है कि उसके पहले काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. काफ़ी कुछ डिस्टर्ब्ड है इन दिस कनेक्शन, जिसको पहले ठीक करना पड़ेगा. फिर जाके दो जो खटास पैदा हो गई है ना आप दोनों के बीच में, जो दूरियाँ आ गई है, द इमोशनल डिस्टेंस, द मेंटली जो आप एक दूसरे से दूर हो गए हो, एक दूसरे को लेकर गुस्सा या नाराज़गी लेकर बैठे हो, दे थिंक कि उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, उसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा. इज दिस, आई वॉन्ट टू सी यू. मुझे अब तक काफ़ी टाइम हो गया है, मे बी आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, या बहुत टाइम से दूर हो, एंड ये पर्सन बहुत ट्राई करते हैं टू मीट यू, टू सी यू, लेकिन नहीं कर पाते हैं. दे वॉन्ट टू सी यू, दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू टच यू. आई एम वरीड अबाउट यू, क्यों कह रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सिर्फ आपसे प्यार ही नहीं करते, लेकिन ये आपकी बहुत फिक्र भी करते हैं. एंड इनको पता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा सामने वाले के लिए, लेकिन जितना होता है वो लिटरली बहुत कंसर्न्ड है आपको लेकर. दे आर योर वेल विशर. ये जो भी इंसान है ना, ये आपका बुरा नहीं चाहता है, ये चाहता है आपकी लाइफ स्मूथ हो, आपको कोई दिक्कत ना आए और आप खुश रहो हमेशा, ठीक है. शो नहीं करते हैं उतना, या कर नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑफ द बार बार आप दोनों में इश्यूज़ ही इतने रहते हैं, आप दोनों इतने बार लड़ते ही रहते हो कि वो केयर दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता उनको. I don't know how you feel. Am I in your heart? See, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, या आप इनसे अब प्यार ही नहीं करते हो, या वो फीलिंग्स ही नहीं रही है जो पास्ट में थी. मे बी पहले आपका अप्रोच अलग था इस पर्सन के लिए, आप बिहेव अलग से करते थे, लेकिन अब मे बी अगर ये छोड़ देते तो आप भी छोड़ देते हो, अगर ये अपना मुँह फेर लेते तो आप भी फेर लेते हो. तो इसीलिए ये पर्सन बहुत डर भी रहे हैं कि पता नहीं अब कुछ हमारे बीच ठीक हो भी पाएगा या नहीं, या तुम मुझसे जो तुम्हारा मन भर गया है. तो ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं उस बारे में. ये पर्सन, मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा अहम है, गुस्सा है. इस पर्सन की पर्सनालिटी एक बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी है ना, जो देखो प्यार करने के लिए ना हम्बल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है मेरे नज़र में. क्योंकि जब मैंने मेरे हस्बैंड से भी शादी की, तो मैंने उनके अंदर सबसे पहला जो क्वालिटी देखा वो था कि वो बहुत काइंड है, बहुत हम्बल है, बहुत डिसेंट है. और ये क्वालिटी जब किसी इंसान के अंदर होती है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, और वो दूसरों की फीलिंग्स की कदर करता है. सो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि जो इंसान हमेशा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको अब्यूज़ करने में लगा रहता है, आपकी गलतियाँ गिनवाने में लगा रहता है, आई मी माई सेल्फ, मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी, आपको मैनिपुलेट कंट्रोल करना, ऐसे इंसान से ना रिश्ता रखना मतलब
बहुत चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है, तो मुझे लगता है कि यू आर डीलिंग विद सेम काइंड ऑफ पर्सन. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ और मैं किसी के पार्टनर को बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यू आर डीलिंग विद द काइंड ऑफ पर्सन जो टू मच है, टू मच टू हैंडल. ओके, इट्स योर चॉइस. आप प्यार करते हो, देखिए प्यार हम किसी को सोच समझ के प्यार नहीं होता है. हालांकि मैंने बहुत सोच समझ के किया, क्योंकि मेरे पुराने जो एक्सपीरियंस थे बहुत बुरे थे. तो मैंने जब मेरे लाइफ पार्टनर चुनने की जब बारी आई ना, मैंने सोचा कि नहीं भैया, मैं बहुत सोच समझ के पार्टनर को चुनूँगी. और मैं आपको सच बोलूँ, जब 2015 में मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी और मेरे हस्बैंड की फेसबुक पर पहचान हुई थी ना, तब मैंने, तब मेरा इंटेंशन यही था कि मुझे अब शादी के लिए ही लड़का देखना है. मैं टाइम पास नहीं करना चाहती थी. तो मैंने उनको अगर हाँ बोला है ना, तो मैंने उसी वजह से बोला कि दे वर वेरी हम्बल, डिसेंट, यू नो, वेरी केयरिंग, वेरी ग्राउंडेड पर्सन थे, इसीलिए मैंने उनको चुना. सो एक्सप्रेस डेफिनेटली ये पर्सन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका अहम और ईगो और ये सारी चीज़ें, नेगेटिविटी बहुत उभर के आती है. यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड एंड आउट. मुझे ऐसा लगता है कि सी, अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, सिर्फ बाहर से ही नहीं, दिखने के मामले में नहीं, आप दिल से भी काफ़ी अच्छे हो. आप काइंड हो, बहुत गिविंग हो, बहुत लविंग हो, एंड दे आर रियलाइजिंग अबाउट दैट अबाउट यू. फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम. ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है और फिर यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्स है. देखिए, अपने आप को, इस पर्सन को बहुत रोकना पड़ता है कि आपसे बात ना करने के लिए, या आपसे सेपरेट रहने के लिए, दूर रहने के लिए, क्योंकि भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा होगा, लेकिन अगर ये दिन में उठते जब है ना, तब पहले किसी के बारे में सोचते हो आपके बारे में होता है, और सोते वक्त जिसके बारे में सोचते हो आप होते हो. तो इट्स लाइक यू आर समवन जिसके बारे में ये बहुत सोचते हैं, दे डोंट शो इट. ठीक है, सो या, कैसी लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा. अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप मेरी वेबसाइट की भी लिंक दी है मैंने, जाइए वेबसाइट पे, देखिए प्रोडक्ट्स, और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप बाय कर सकते हो. एंड रिचुअल्स करानी है, पर्सनल रीडिंग करानी है, सारी लिंक्स, सारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड.